हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लेके आई हूँ फ्रोजन एल्सा ब्रेड। ठीक है, फ्रोजन एल्सा ब्रेड जो कि आपने देखी भी होगी और बहुत सुंदर लगती है और बनती भी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्रोजन एल्सा ब्रेड कैसे बनानी है। तो फ्रोजन एल्सा ब्रेड बनाने के लिए हमने क्या लेना है, मैंने यहाँ से अपने कुछ हेयर्स लिए हैं इतना पोर्शन, और इसको मैंने यहाँ तक लिया है, इसको कि मैं सेपरेट कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें कॉम का बहुत कम यूज करूंगी क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा मेसी लुक चाहिए। ठीक है, तो फ्रोजन यहाँ से स्टार्ट करूंगी। जब मैं इसे स्टार्ट करूंगी तो नॉर्मल ब्रेड हम ऊपर, यानी थ्री सेक्शन में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है, नॉर्मली हम इसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन इसमें इसमें हम इसे नीचे की तरफ ले जाएंगे, नीचे से टर्न करेंगे, उल्टी बनाएंगे यानी, और यहाँ से भी नीचे की तरफ टर्न करेंगे। और ये जो ब्रेड है बहुत ही ज्यादा लूज बनेगी, टाइट नहीं होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए। सेम यहाँ से हमने थोड़ा सेक्शन लेना है, अपने साइड वाले हेयर्स में मिक्स करना है और उसे नीचे की तरफ लेके जाना है। इस तरह से अपना सेक्शंस को जो है वो नीट एंड क्लीन रखेंगे और नीचे की तरफ ले जाएंगे। सेम दूसरी साइड से भी यहाँ से कुछ सेक्शन लेके साइड वाले हेयर से मिला के उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे इस तरह से। और यही प्रोसेस हमने इस साइड फॉलो करेंगे। यहाँ से कुछ हेयर्स को उठाना है, और क्योंकि ये उल्टी ब्रेड बनती है, ये जो ब्रेड है ना ये उल्टी है, तो यहाँ से हमने इसको सेक्शन को क्लीन करना है। नीट एंड क्लीन करते रहिए और यहाँ से सेम दूसरे सेक्शन को उठाएंगे, साइड वाले हेयर से मिला के इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन से सेंटर में लेके जाएंगे और बिल्कुल ही लूज ब्रेड ये बनानी है। ये ब्रेड बिल्कुल भी टाइट नहीं होनी चाहिए और थोड़ी सी मैसी होगी, इसलिए इसमें मिक्स किया और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हेयर्स को ले और सेक्शन को नीट एंड क्लीन कर दी। सेम यहां से आपने सेक्शन लिया, इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले गए और इसे नीट एंड क्लीन करेंगे, और लास्ट सेक्शन जो हमारा रह रहा है इसको भी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे इस तरह। अब देखिए, जो ऊपर वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी है कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे जो स्टाइल है वो अभी मिला नहीं, तो हमने इसको थोड़ा लूज करना, हमने इसे लूज करना है, हमें इसे टाइट नहीं रखना बिल्कुल भी, तो इसे लूज कीजिए, पुल अप करके इसे लूज लूज कीजिए इस तरह से, इसे करेंगे हम लूज। जितना इसे आप लूज करोगे वो उतना ही ज्यादा अच्छा स्टाइल बनेगा। और आपने अगेन इसमें एक ब्रेड प्रिपेयर करनी है, और ये जो ब्रेड बनेगी बहुत ही ज्यादा लूज आपने बनानी है इस तरह से, बहुत ही ज्यादा लूज ब्रेड आपकी ये जो है प्रिपेयर होगी, और इसमें भी आपने इसको लूज करना, बहुत ही ज्यादा लूज होनी चाहिए और बहुत लूज हैंड से बनाएंगे इसको, हमने टाइट हैंड से बिल्कुल भी नहीं बनाना है, इसको हमने लूज हैंड से बनाना है। ये इस तरह से, और जो नीचे हैं उसमें बहुत ही कम हेयर छोड़ने हैं, यानी कि ज्यादा हेयर्स नहीं छोड़ने हैं, बहुत ही ज्यादा कम हेयर्स छोड़ने हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी रबर बैंड ली है जिसे कि मैं टाई अप कर रही हूँ, तो बहुत ही कम हेयर छोड़ने हैं। तो ये देखिए, ये ऊपर के हेयर्स को भी थोड़ा और लूज करेंगे,
ये थोड़ा मेस्टी लुक रहेगा इस तरह से, इस तरह। ये यहाँ पे ना हम पिंस लगाते हैं ताकि ये थोड़ा अलग अलग दिखाई दे। यू पिन की हेल्प से मैं सेक्शंस को अलग अलग करूँगी। इस सेक्शन को थोड़ा सा अलग करते हैं यू पिंस की हेल्प से, बिल्कुल लूज लगानी है, ये भी आपने टाइट नहीं करनी। ये देखिए, और अब मेरे सेक्शंस जो हैं वो अलग हो गए हैं। अगेन यू पिन लेना है और इस सेक्शन को सेपरेट कर देना है। यू पिन से अपने सारे सेक्शंस को आप सेपरेट करेंगे। इस तरह से ये देखिए, तो ये हमारी जो है ब्रेड रेडी है। ये है हमारी फ्रोजन एल्सा ब्रेड, जो कि आपने देखी भी होगी। इस तरह से आप जो है अपनी फ्रोजन एल्सा ब्रेड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए, इसको कम्प्लीटली ये यहाँ, या बैक से देखना चाहते हैं तो बैक से कुछ इस फॉर्म में ये लगेगी। तो ये है हमारी फ्रोजन एल्सा ब्रेड, जो कि बहुत ही यूनिक लुक देती है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक लुक। ये देखिए, तो इस